बनने के लिए प्रतिष्ठा के लिए तैयार रहता है, उसी टाइम से मैं काम पहले से काम चालू कर दिया था एक मंदिर के, मेरे तरफ से छोटा सा उपहार देने के लिए मैं सोच रहा था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण कुमार, कहाँ से आए? उड़ीसा गंजाम जिला। नहीं बात नहीं कराइए, मैं भेज रहा हूँ, भेजा हूँ, कैसे नहीं पहुँचा हूँ ये? देखिए यहाँ उड़ीसा से ले जय श्री राम, जय श्री राम, श्या बल रामचंद्र की जय, श्या बल रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। कास्ट पर काम करने वाले कलाकारों ने ये कृति जिसमें हनुमान चालीसा इस बोर्ड पर लिखा हुआ है, साथ ही साथ पूरी हनुमान चालीसा लकड़ी के रूप में कई पृष्ठ लकड़ी के बना करके इन्होंने भेंट किया है। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का भी चित्र समर्पित किया है, कल ये उनको भेंट किया जाएगा। और मुझे लगता है कि ये है उड़ीसा से आने वाले इन कलाकारों को के द्वारा प्रभु राम के चरणों में की जाने वाली एक अप्रतिम कलाकृति है, जिसका ट्रस्ट यथा योग्य स्थान पर रख करके इसको संरक्षित करेगा। आज आया हूँ कि मंदिर के देने के लिए, तो मैं एक हनुमान चालीसा लाया था और एक योगी जी को हमारा, मैं उनको बहुत मानता हूँ, तो उनके लिए मैं फ़ोटो लेके आया लकड़ी में। ये पूरा गंभारी वुड में बना हुआ है, हाथ से खोदे करके उसको बना हुआ है, और उसका फ्रेम है पूरा हमारा साग का लकड़ी जो बोलते हैं उसका फ्रेम बना हुआ है। हमारे उधर ये बहुत कीमती लकड़ी माना जाता है, जो व्हाइट वाला लकड़ी है गंभारी, ये फ़ोटो लेके आया हूँ। और उनके लिए मैं श्रद्धा से मेरा एक हनुमान चालीसा बुक भी लेके आया हूँ उनको, मैं मेरे तरफ से छोटा सा भेंट देने के लिए। मैं उनको बहुत मानता हूँ क्योंकि उनका विचार मुझे बहुत अच्छा लगता है, उनको मैं सुनता हूँ बहुत खुशी लगता है। वो बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है, तो हम न्यूज़ वगैरह में पढ़ते हैं, बहुत खुशी महसूस होगा मैं कल उनको मिलके मेरे छोटा सा तरफ से छोटा सा उपहार दूंगा। तो उड़ीसा से कास्ट कला के काम करने वाले कुछ कलाकृतियाँ ऐसी, हनुमान चालीसा जो एक बोर्ड पर उसकी लिपियाँ उकेर करके ले आए, भगवान के वो समर्पित किया। साथ ही साथ उसी प्रकार से हनुमान चालीसा लकड़ी के पन्नों पर लिपिबद्ध करके लेकर के आए, उसको भी समर्पित किया। घंटा भी उसके साथ साथ पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का चित्र भी वो लकड़ी पर बना करके लेकर के आए हैं, उसे भी समर्पित किया है। ऐसे सभी जो इस कला के विशेषज्ञ हैं उड़ीसा से, श्रद्धा भावपूर्वक प्रभु के चरणों में उन्होंने इसको समर्पित किया है, ट्रस्ट ने उसको स्वीकार किया है, और समय आने पर उसको उचित स्थान पर प्रतिष्ठित किया जाएगा। घंटा भी आया मंदिर के लिए। ये कलाकारों की कला समर्पित करने की एक अपनी पद्धति है, जिसको कास्ट पर उकेर कर तो उन्होंने समर्पित किया है। मैं उनको साधुवाद देता हूँ, उनका इस भाव का सम्मान करता हूँ। ट्रस्ट ने उसे स्वीकार किया है, ठीक स्थान पर उसको रखेंगे। नहीं, ट्रस्ट ने तो किसी प्रकार के प्रभु के दर्शन और सुविधाओं के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं लेने का निर्णय किया है, और मुझे लगता है चाहे वो आरती पास हो, चाहे वो सुलभ दर्शन पास हो, सुगम दर्शन पास हो, किसी प्रकार का हमारी पीएफसी में जो यात्रियों को सुविधाएं दी जा रही हैं, सामान रखने की, लॉकर की, सभी कुछ निःशुल्क है। व्हीलचेयर भी हम निःशुल्क देते हैं। अगर कोई उसका कैरियर उसका ले जाने वाला लेता है तो उसके अनुसार उसको, उस व्यक्ति को उसको भुगतान करना है। व्हीलचेयर निःशुल्क है, चिकित्सा सुविधा निःशुल्क है, दर्शन की सुविधाएं सभी निःशुल्क हैं, आरती निःशुल्क है। तो ट्रस्ट ने तो प्रभु राम के दर्शन के लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगाया है, और मुझे लगता है अयोध्या में इस किसी प्रकार की ऐसी व्यवस्था किसी मंदिर में नहीं है। आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा मिले, हम उसकी पूरी व्यवस्था के लिए हर व्यवस्था को पूर्ण करने में लगे हैं।
ट्रस्ट आने वाले समय में जितना अच्छी से अच्छी व्यवस्था दर्शनार्थियों को दे सकता है उसका प्रयत्न कर रहा है, सुगमता पूर्वक प्रभु के दर्शन हो सकें।